सलाम एवरीवन, वेलकम टू व्लॉग। सो आज के व्लॉग में हम आपको काइट मेक करके दिखाएंगे और आज हम काइट बनाने वाले हैं, वो भी न्यूज़पेपर की। तो हमने आपको बहुत सी काइट बनाने सिखाई हैं और वो शॉपर की होती हैं, कोई शॉपर की बहुत सारी हमने, शॉपर की तो खैर अच्छी होती है, बिल्कुल भी इधर उधर भी नहीं होती। तो आज हम बनाएंगे न्यूज़पेपर की काइट और उसके लिए भाई हम लोग पतंग के जो दुल्ले होते हैं, स्टिक होती हैं जो, वही लेंगे और एक साथ हम दो वो लेंगे स्टिक, मतलब एक स्टिक को दो, दो स्टिक को एक स्टिक को, मतलब दोनों हाथ ज्वाइंट कर लेंगे, फिर उसके बाद बनाएंगे और देखते हैं कितनी बड़ी काइट बनती है। और आप वीडियो को एंजॉय करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो हम बनाना शुरू करते हैं, आप वीडियो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा और बनाना शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं काइट बनाना और सबसे पहले हम आपको बताएंगे हमें इसके लिए चाहिए क्या होगा। न्यूज़पेपर ही सबसे, न्यूज़पेपर ही काइट बनती है, न्यूज़पेपर तो चाहिए होगा, देख लें आप। और देखिए इस टाइप का, और ये थोड़ा हमें फट गया तो हम इसको टेप वगैरह लगा देंगे तो सही हो जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं सबसे पहले तो, और कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किसके किसके डैडी जो है वो ये पढ़ते हैं न्यूज़पेपर। तो पहले बनाना शुरू करते हैं, देखें अब क्या करना है। हमें पहले ये चाहिए होंगे, ये मैंने दो एक स्टिक थी, ये देखें आप, मैंने इसको जॉइंट किया हुआ है, देखिए मैंने इसको जॉइंट किया और यहाँ पे अभी टेप भी लगाएंगे ताकि ये बिल्कुल पक्की हो जाए और ये हिले नहीं। सही, तो अभी हमें ये दो स्टिक भी चाहिए होंगी, तो इसको हमने देखिए इसको भी जिस तरह इसको हमने जॉइंट किया उसको भी इस तरह जॉइंट कर देंगे, जॉइंट कर देंगे, ये इतना बड़ा हो जाएगा। अगर ये छोटा होगा तो हम इसे कट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसी को ही जॉइंट करते हैं, देखें हमें ड्रेस चाहिए होगा और थ्रेड हमारे भैया मौजूद है, अभी ये सर्दी है तो सर्दी अच्छा रहता है ना, वो डार्क सही नहीं रहता, इसको थोड़ा हम काट लेते हैं और इसको हमें बिल्कुल पट्टा जोड़ना पड़ता है, तो इसको हम जोड़ते हैं, तो इसको जोड़ते हैं फिर आपसे मिलते हैं। सो अब देखें हमने इसको बांध लिया, इस तरह इसको बांधा था, ये दोनों हम बांध लिए और ये देखें दोनों इस तरह के लग रहे हैं। अब तो अब हम इन्हें टेप लगाएंगे, टेप की भी आधा अलग देख सकते हैं कि अब इन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको हम थोड़ा सा थोड़ा काट देते हैं साइड में, और नया टेप काट के अगर हम टेप काट इतना सही रहेगा। और देखें अब हम इसको न्यू करके चिपका देंगे ताकि और ये बिल्कुल मजबूत हो जाए और ये हिले नहीं, जब क्योंकि काइट जब उड़ती है तो हवा तेज़, वैसे ही हमारी छत पे हवा होती बहुत तेज़ है, आजकल हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो इसको हम पक्का लगाएंगे ताकि ये वो हो जाए। तो इसका भी लगाते हैं, तो जब फिर न्यूज़पेपर पर लगाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। आज अब देखें हमने ये इसमें लगा लिया है, देखें ये हमने इसमें लगा लिया, अभी मजबूत हो चुका है देखें, और ये भी हमारा मजबूत हो चुका है, और इनको रखते हैं साइड में सबसे पहले। अब हम लाते हैं न्यूज़पेपर को, तो इसमें हम कटिंग करने की हमें खाली ज़रूरत तो है या नहीं है अभी हमें देखना पड़ेगा। तो पहले आपको लगा के दिखाते हैं, देखें क्यों है, क्यों बनती है मेरे गाइड, और देखें पहले हमें ये लगाना होगा तो ये लगाते हैं। इतनी बड़ी हम काइट बनाने वाले हैं, आप देखें अभी उड़ने, आपको उड़ाने का भी टेस्ट दिखाएंगे आप, लगाएंगे तो बड़ा हो रहा है आपके सामने, और ये इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, तो यहाँ से हमें कट करना है ठीक, और उसकी वजह से कट करते हैं। अब देखते हैं अब ये होना सही चाहिए, क्योंकि वैसे तो सही है, देखिए बिल्कुल सिकनेस में आ गया है, और ये अब ये वाला स्टिक तो ये हम लोगों को स्टेल लगाने के लिए यूज़ कर लेंगे, तो इसको हम काटने की जरूरत नहीं है, और इसमें ठेट वगैरह तो लग नहीं सकता, तो इसके हमें टेप से ही सब कुछ करना है, टेप ही सब कुछ करेगा, टेप वगैरह ही सब चुपाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें इसको हम लोग चिपकाते हैं, सबसे पहले हमने देख लिया, फिर से आगे से जोड़िए, ले लिया और ये हम इसको लगा देंगे, सही से चिपकाना है वरना ये ऊपर आसमान पे जाके ख़राब हो जाएगी बजे, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें आप, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके, और अभी मुझे लगाते हैं तो उसको हम लोग ये लगाते हैं फिर आपसे।
अब आप देखें कि हमने यहाँ भी स्टिक लगा दी है और ये हम बाहर बीच में आए और देखें यहाँ पे थोड़ी है स्टिक बच रही है और यहाँ पे इसकी टेल लगेगी, तो टेल हमें इस पर बनानी पड़ेगी और पेपर है बनानी पड़ेगी, तो इसका हमने पूरा रेस पेपर यूज़ कर लिया है। तो अब हमारे ये बारी है इसकी लगाने की, देखें थोड़ी सेंटर यहाँ पर आ रही है, राइट साइड पर आ रही है, तो हमें इसको सेंटर में करना है, तो इसके लिए हम थोड़ा यहाँ पर टेल बीच में लगा देंगे तो सही सेंटर में मिलेगी। टेप लगाते हैं सेंटर में करने के लिए, थोड़ा यहाँ पे टेप लगा देंगे सेंटर में, ये और ये इसी के ऊपर ही लगा दिया मैंने, सही तो ये हमने लगा दिया सेंटर में टेप। अब देखें बिल्कुल ये सेंटर में आ चुकी है और ये बिल्कुल सही से बन गया, अब ये लगेगा तो और ये फिनिशिंग दे देंगे हम आ देंगे इसमें, तो अब याद ही लगाना शुरू करते हैं। लेकिन अब ये इसको हम लोग यूज़ करके घुमाएंगे ताकि ना ये बिल्कुल वो हो जाए, फटे नहीं टाइट, वरना यहाँ से अक्सर ये होता है कि निकल जाती है यहाँ से, तो इसलिए टाइट करना पड़ता है। तो देख लेते हैं पहले वहाँ से भी सही है, वरना ये नहीं हमें लगाया और वहाँ से सही ना हो तो ये सही नहीं हो सकता, वहाँ से भी सही है वहाँ से भी, और हम टेप लगाते हैं, अच्छा लगे टेप काट लेते हैं, टेप हमने काट लिया, थोड़े यहाँ ही लगा देते हैं टेप काके दूसरा, तो पूरा मैंने इसके नाप का इसका हमने स्टिक कर ली थी, तो अब हम लगाते हैं इसको, बिल्कुल पक्का टाइट लगाना पड़ता है वरना ये पतला हो जाता है, टाइट होते वक्त ना फिर निकल इसका ये वो निकल जाता है टेप, और न्यूज़पेपर है इसमें हम लोग खैर भी नहीं पा सकते, तो ये मसला होता है, बस न्यूज़पेपर गाइड में यही एक मसला होता है, बाकी उड़ने में ही अच्छी होती है। और यहाँ पर फटी है तो यहाँ पे हम लोग टेप लगा लेते हैं थोड़ी देर में, पहले ये लग गया उसके बाद, तो अब हम ये भी लगा लेते हैं यहाँ पर, ये बहुत बड़ी काइट है यहाँ पर, मुझे छोटा पड़ रहा है इसको बनाने के लिए, मेहनत बड़ी लग रही है अभी है यहाँ पर, वहाँ से बिल्कुल काइट देख सकते हैं, मैं हल्का सा वहाँ से खींचा और ये हाथ में आ चुका है, तो खैर है हम लोग यूँ कर लेते हैं इसको, मसला नहीं है कोई, इसको यूँ कर लेंगे हम, मसला नहीं है यूँ कर लेते हैं, मसला नहीं होता इसको, इसको और हम मोड़ लेंगे, जुगाड़ बहुत है कहीं हमारे वहाँ टेप का सकते हैं, बहुत से लोग सोचते होंगे कि ये पतंगे खड़ने बड़े खाती हैं जो होममेड पतंगे होती हैं, तो इनका एक ही वो हो सकता है कि हम लोग इनका तिल्ला वगैरह जो है ना जिस साइड खा रही है उसके अपोजिट साइड पे हम अपना इसका जो ये होता है राइट साइड पे, अगर जैसे लेफ्ट साइड पे खा रही है तो उसका राइट साइड का हम लोग जो है स्टिक इसकी मोड़ते हैं, थोड़ी सी बैंड करते हैं तो उसके हो सकता है, तो फिर कहने ना खाइए कि अगर एक साइड ना गिरे, तो ये हो सकता है वरना और इसका तो कोई मसला नहीं होता कोई चीज़, तो फिर यही एक जुगाड़ होता है, यहाँ यहाँ भी टेप लगाने पड़ेंगे, देखिए यहाँ पे फटी हुई है और यहाँ पर छोटा सा देखिए इस तरह होगा, तो यहाँ पर भी टेप लगा लेते हैं सही, देखिए अब पता नहीं चल रहा है ये फटी थी ऐसा, लेकिन लग नहीं रहा कि फट गई, तो यहाँ पर भी लगा लेते हैं, अब ये फाइनली पूरी बन चुकी है, पूरी तो खैर नहीं बनी, अब इसकी टेप लगानी है और यहाँ पर ये जहाँ पर फटी हुई है जहाँ से पहले खड़ी हुई है वहाँ से हम टेप लगाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर हमने ये आला पेज लिया है, इससे हम देखें अभी पूरी फिनिशिंग तो आ चुकी है, यहाँ से हम खड़ी हुई थी तो हमने यहाँ पर बना दी है और ये पूरी रेडी हो चुकी है, और अभी इसकी हमें सिर्फ टेप लगानी है और उसके कन्या मान लें, उसके बाद इसका फ्लाइंग टेस्ट तो हम शाम में ही ले सकते हैं, क्योंकि अभी तो पट्टी फूट गई है, तो ये ब्लॉग तो इंशाल्लाह रात में यहाँ तक आएगा, तो अभी हम शाम में इसको आपको रात ही भी टेस्ट करके दिखाएंगे कि उठती है नहीं उठती है, कुछ फाइनल नहीं कह सकता कि उड़ेगी, क्योंकि ये पतंग जो है ये न्यूज़पेपर की जिस तरह थैली की उड़ पाती है इस तरह न्यूज़पेपर की नहीं उड़ती, तो फाइनल तो मैं नहीं कह रहा कि उड़ जाएगी, लेकिन
मीट के लिए कि हो जाएगी। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास ये पेपर है और इसकी हम तेल बनाएंगे। तेल हम किस तरह बनाएंगे, इसको हम पनीर बना रहे हैं, गुड़ा की बनाएंगे। तो पनीर की आपको तेल पता है किस तरह होती है, हम देखिए इसके लिए हो रहे हैं सबसे पहले तेल ओके किया हमने। और यहाँ से इसके ना इधर इस तरह होते हैं ना उसके अंदर तक काटेंगे, ज़्यादा लंबा लगे काटा। तो इसको हम पूरा यहाँ से इस तरह सब काटते हैं, जब लगाएंगे तो आपसे मिलते हैं। तो अब आप देखें कि यहाँ पे हमने इसकी बेल बना ली है और देखें कि है इस तरह की इसकी बेल बनी है, देखिए यहाँ बड़ी अच्छी लगी हुई थी। तो इसको हम बेल लगाते हैं, हम यहाँ तक लगाएंगे क्योंकि थोड़ी टेल बड़ी बन गई है इसकी, तो ये भी हम टेप से लगाएंगे। पूरा काम जो हमारी पतंग बनी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ टेप से बनी हुई है और न्यूज़पेपर और स्टिक पर, इसका कोई भी थ्रेड वेड का कोई काम नहीं है। तो टेप भी बस इसमें सही से लगाना पड़ेगा, फिर ही जाके हो गई ना तो मुश्किल है। तो और भी टेप लगाना पड़ेगा क्योंकि टेप तो ख़राब हो गया, और टेप लगा के टेप थोड़ी अच्छी लगानी पड़ेगी वरना आप क्या कहते हैं टेप निकल सकती है हमें जाके। तो ये देखें टेप पूरी हमने लगा दी है और अब इसके अंदर पानी में करेंगे, हमारे पास सीजर है हम इसी से कर लेंगे उसका ये लेकिन यहाँ पे छेद किया और यहाँ पे एक किया ये यहाँ पे किया और यहाँ पे किया ये तो यहाँ और यहाँ और थोड़े और पीछे कर लेते हैं सही है। फाइनली आप देख सकते हैं कि हम लोग ने ये पतंग फुल कंप्लीट कर लिया बना के, और ये देख रहे हैं आपके अब बिल्कुल ये सही बन गई है और ये देखें इसकी टेल और ये अच्छी लग रही है। तो हम अब इसको शाम में आपको इसका फ्लाइंग टेस्ट देंगे, तो अभी तो इसको रख देंगे हम फिलहाल और शाम को इसको उड़ाते हैं, तो शाम को उड़ाएंगे फिर आपसे मिलते हैं। छत पे आ चुका हूँ अपनी और शाम भी हो चुकी है, तो अब हम अपनी पतंग को ला चुके हैं और देखें ये मेरा भाई अभी फिलहाल उड़ा रहा है देखें, और अभी हमने उड़ाने की कोशिश की थी उड़ी थी और फिर नीचे से नीचे आ गई थी, तो हमने इस चरखी से उड़ा रहे हैं हम। ये देखें मांझा आगे बंधा हुआ है, पीछे थोड़ी सी सद्दी है पुरानी हमारे पास जो चरखी थी उससे उड़ा रहे हैं। देखें ये पतंग तो ये काफ़ी उड़ जाती है लेकिन फिर नीचे आ जाती है वो काफ़ी अच्छी पतंग, देखें उड़ गई है थोड़ी सी फिर उड़ती है, फिर ये थोड़ी सी नीचे आ जाती है, जैसे उड़ तो रही है वैसे मसला नहीं है कोई ऐसा। देखें उड़ गई है काफ़ी हद तक उड़ गई है, देख सकते हैं हवा में आ गई, बिल्कुल हवा में आ गई है। देखें ये देखें गाइस ये तो बिल्कुल सीधी पतंग है गाइस, आप देखें ये देखें गाइस बिल्कुल सीधी पतंग है। देखें ये इसका ये बड़ा मसला है डूबे जा रही है, ये देखें बिल्कुल गाइस उड़ गई है, बहुत ही अच्छी लग रही है उड़ते हुए। तो ये देखें गाइस ओहो लग रही है क्या गाइस, देखें ये देखें गाइस वीआईपी पतंग हो गई है, ज़रा मैं उड़ा के चेक करता हूँ। देखिए खड़ी भी है गाइस, सिर्फ सीधी पतंग है बिल्कुल, पकड़ना पकड़ना देखें। तो पहले हम लोग ने इसको उड़ाया था और मेरे भाई ने उड़ाया था, तो अब हम इसको फिर से उड़ाएंगे, तो हम इसको उड़ाते हैं देखें फिर से हम उड़ा रहे हैं इसको। तो मांझे इस बार हमारा मांझे अच्छा वाला है, चक्की हमने आई है। देखें कि अभी उड़ चुकी है हमारी पतंग और हम आपको उड़ाते हुए सही से नहीं दिखा पाते क्योंकि वो एक हमारे पास थोड़े लोग कम होते हैं, तो इसलिए हम आपको उड़ा के नहीं दिखा पाते, तो लेकिन उड़ जाती है क्या आराम से उड़ जाती है, कोई मसला नहीं होता। देखें बिल्कुल सीधी पतंग है गाइस, सीधे आप देख सकते हैं, देखें बिल्कुल सीधी पतंग है। देखें आगे पतंगबाजी भी हुई हुई है, देखें पतंगे ये देखें पतंगे शंगे उड़ी हुई है, देखें एक आगे उड़ी है, लेकिन हम पेंच में ही नहीं लगाएंगे, सिर्फ आपको हम उड़ा के दिखाएंगे इसको। पेंच की जो वीडियो है वो हम अगर होगा तो अलग से बनाएंगे अगर ये बच जाती है पतंग तो। तो अभी देखें फिलहाल हमें मांझा तो है लेकिन हम इसको मैं उड़ा के देखता हूँ, ये देखें मेरे हाथ में अभी थोड़ी इसको रील छोड़ते हैं गाइस, ये देखें हम रील छोड़ते हैं इसकी थोड़ी, इसे देखें थोड़ी सी हमने आगे बढ़ा ली है और बिल्कुल सीधी है, तो मैं लेके खड़ा हूँ। आप देखें कि उस वक्त से लेके अभी तक हमारी पतंग ऊपर ही है और कब से हम इसको कभी कोई उड़ा रहा है कभी कोई उड़ा रहा है, तो यहाँ पर अभी देखें बिल्कुल सीधी पतंग अभी भी है और हमने बहुत सी रील छोड़ी थी, पूरी चरखी हमने खाली कर दी थी, तो अब फिर भी यह सही हुई, कोई भी मसला नहीं हुआ था, तो ये तो उड़ती रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग में मज़ा आया होगा, अगर आपको इस ब्लॉग में मज़ा आया तो इस ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल मोहम्मद शाह ब्लॉग्स को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा। तो हम मिलते हैं इसके अगले ब्लॉग में, अपना मजा आया, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।